लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत आणि त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातून 45 पेक्षा जास्तीच्या जागा महायुतीच्या आल्या पाहिजे यासाठी प्रत्येक मतदार संघामध्ये शिवसैनिक पदाधिकारी महिला आघाडी युवा सेना अतिशय सक्षमपणे त्यांनी काम केलं पाहिजे। त्या बाबतीमध्ये आढावा बैठक तिथल्या मतदार संघांची माहिती त्या मतदार संघाचे इश्यूज आणि मोदी साहेबांना आपल्या राज्यातून महाराष्ट्रातून 45 पेक्षा जास्तीच्या जागा मिळाल्या पाहिजे आणि त्यांचे हात बळकट झाले पाहिजे अशासाठी आजची आढावा बैठक होती। त्यामध्ये आमचे प्रत्येक मतदार संघातले निरीक्षक असतील, त्या भागातले पदाधिकारी असतील, प्रवक्ते नेते जे स्टार प्रचारक आमदार खासदार जिल्हा प्रमुख तालुका प्रमुख या सगळ्यांची एक चर्चा झाली आणि या बैठकीमधून या जागा ज्या आहेत आपल्याला जिंकता कशा येतील यासाठी एक व्यूहरचना असेल आणि त्याचा आढावा असेल यासाठी ही बैठक होती, महत्वाची बैठक होती। दोन मंत्री यांनी टीका करताना पुन्हा एकदा मोदींची तुलना ही औरंगजेबाशी केलेली आहे, त्याबद्दल आपली काय प्रतिक्रिया? खरं म्हणजे हे दुर्दैव आहे, देशभक्त आणि राष्ट्रभक्त या देशाचे प्रधानमंत्री मोदी साहेबांनी या देशाला एक नवा आयाम दिला, नवी उंची दिली आणि बाळासाहेबांचं जे स्वप्न होतं राम मंदिर बांधण्याचं 370 कलम हटवण्याचं ते त्यांनी पूर्ण केलं। अशा आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांना औरंगजेब म्हणणं म्हणजे या देशाचा अपमान आहे। हा खरं म्हणजे प्रधानमंत्री महोदयाला औरंगजेबाची तुलना उपमा देणं हा देशद्रोह आहे आणि खऱ्या अर्थाने यांची निंदा करावी तेवढी थोडी आहे, कारण औरंगजेब वृत्ती त्यांनी दाखवली। कारण आपल्याला माहित आहे त्यांनी भावालाही सोडलं नाही औरंगजेबाने, बापालाही सोडलं नाही, नातेवाईकानेही सोडलं नाही, तीच वृत्ती औरंगजेबी वृत्ती यांनी दाखवली या महाराष्ट्राला माहित आहे आणि म्हणून त्यांच्याकडून दुसरं काय अपेक्षा करणार। परंतु याचं उत्तर या निवडणुकीमध्ये या महाराष्ट्रातली जनता मतपेटीच्या द्वारे देईल आणि मोदी साहेबांचा अपमान त्याचं उट्ट त्याचा सूड मतपेटीद्वारे या महाराष्ट्रातली जनता घेईल। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावरती टीका करताना म्हटलंय की मणिपूरमध्ये त्यांनी शेकूट घातलेला आहे, त्यावर टीका करतात। खरं म्हणजे देशाचे कणखर आणि धाडसी गृहमंत्री यांनी मोदी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली 370 कलम हटवलं जे एक स्वप्न होतं किंवा स्वप्नवत वाटत होतं ते त्यांनी करून दाखवलं आणि अनेक याच्यामध्ये देशभक्तीचा परिचय त्यांनी दिला। त्यांना शेपूट घालणं म्हटणं म्हणजे ही मर्दुमकी नाही, खरं म्हणजे त्यांचा निषेध केला पाहिजे। आणि मी हेही म्हणेन की हे फोटोग्राफर त्यांना शेपटी असलेल्या प्राण्यांचे फोटो काढायला आवडत होते, त्यातून त्यांना हे शेपटीची जास्ती त्यांच्या प्रेम आणि हे झालेलं आहे। वेळ प्रसंगी शेपूट घालणारे, दिल्लीमध्ये जाणारे, दिल्लीच्या लोटांगण घालणारे आणि जेव्हा नोटीस आली की घाम फुटणारे हे शेपूट घालणारे कोण आहेत, वेळेला शेपूट घालणारे कोण आहेत? आणि खुर्चीसाठी सत्तेसाठी मुख्यमंत्री पदासाठी कुणी शेपूट घातलं? सगळं सोडलं, विचार सोडले बाळासाहेबांचे,
त्यामुळे सर एक बार हिंदी में ब्रीफ करा। आज राज ठाकरे सर आज राज ठाकरे यांच्याबरोबर आपली एक बैठक झाली, त्याबद्दल काय सांगणार? त्यांच्याबरोबर चर्चा झाली आहे, चर्चा सुरू आहे, योग्य वेळी योग्य निर्णय होईल। पण शिवसेनेच्या जागांची मागणी राज ठाकरे करतात, हिंदी में क्या चल बोला? हिंदी में सर आज जो बैठक हुई है, आज जो बैठक हुई है, चर्चा चालू आहे, चर्चा चालू आहे, योग्य वेळी योग्य निर्णय होईल। ते आता समविचारी पक्षाशी या ठिकाणी महायुती मध्ये मोदी साहेबांचे विचार, पक्षाचं काम, सॉरी सरकारचं काम यावर विश्वास ठेवून अनेक लोक सोबत येत आहेत। तो विषय आहे जिस तरह से अभी यहां पर पार्टी के नेताओं की कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है, और इसके अलावा जो संजय राउत का कल का बयान है उसको किस तरह से देखते हैं? ये पार्टी की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। लोकसभा चुनाव शुरू हुए हैं और महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद 48 सीटें हैं, इसमें 45 से ज्यादा सीटें हमें महायुति को लानी है और मोदी जी को उनके हाथ मजबूत करने हैं, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, महाराष्ट्र का उसमें बहुत बड़ा योगदान चाहिए। इसीलिए ये आढ़ावा बैठक आज हमारे कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों के लिए हुई है, और इससे निश्चित रूप से जितने 48 सीट्स है उसमें जो जो कैंडिडेट महायुति के होंगे, औरंगजेब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को औरंगजेब कहना ये देशद्रोह है, ये देश का अपमान है, और इसका बदला ये पूरी देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता आने वाले चुनाव में मतपेटी द्वारा जरूर लेंगे। जो 370 कलम जिन्होंने हटाया, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का राम मंदिर का सपना जिन्होंने पूरा किया, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपमान करना ये देशद्रोह के बराबर है। और जो ये जो कौन सा कबर है जो ये मुंबई में याकूब मेमन की कबर का उदात्तीकरण करना, उनको सजाना, ये कौन सा प्रचार है? और सावरकर जी का अपमान करने वाले लोगों को साथ देना, ये कहा कि मर्दुम की है? और इसलिए मैं यही कहूंगा, ये पूरे देशवासियों का अपमान है। आदरणीय मोदी जी ने देश को पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया है, एक नया आयाम देने का काम किया है, एक नई ऊंचाई देने का काम किया है। ये जेलसी है, ये पेट दर्द है, और इसलिए इनका पेट दर्द ये जनता दूर करेगी और इनको घर पे बिठाएगी। और इसलिए मैं बहुत कड़ी शब्दों में उनकी निंदा करता हूँ जिन्होंने मोदी जी को औरंगजेब की उपमा दी है। सर एक सवाल और राज ठाकरे को लेकर, सर एक सवाल और राज ठाकरे को यूपी में आने को लेकर चर्चा, जो सर मणिपुर का एक सवाल आपने उठाया है वो गृह मंत्री जी के बारे में, वो क्या कहा है? अभी पूछ कौन किधर डालता है ये तो जनता जानती है, जो फोटोग्राफी करते हैं ये पूछ वाले जानवरों की, उससे बहुत लगाव है उनको। और मैं तो कहूंगा एक डैशिंग एक गृह मंत्री इस देश को मिला है, और 370 कलम हटाने का काम मोदी जी के मार्गदर्शन में उन्होंने किया है, और इसीलिए ये जब इनको ऊपर जब कुछ आता है, संकट आता है, आपत्ति आती है, तब भाग के जाते हैं, तब कुछ कौन डालता है? ये देखो, इसलिए मुझे ज्यादा उस पर कुछ कहना नहीं है। और उनकी महायुति की फाइनल सीट शेयरिंग का मसला कहां तक पहुंचा है, एक चीज, और राज ठाकरे की एंट्री कब तक संभव है, क्योंकि आज अभी आप लोगों की चर्चा हुई है? कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है, चर्चा शुरू है, योग्य समय पर निर्णय होगा। सर मराठी मध्ये सांगली सीट को लेकर महाविकास आघाड़ी में तनाव है, उद्धव ठाकरे की सभा का कांग्रेस वहां पर आज बॉयकॉट कर रही है, स्थानीय कार्यकर्ता इसको कैसे देखते हैं? एक सीट को लेकर झगड़ा हो रहा है और ऐसी कई सारी सीटें, अरे उनमें तो पूरा झगड़ा ही झगड़ा है, उसमें कोई किसी के साथ नहीं है। ये शिव तीर्थ पर, शिवाजी पार्क पर जो सभा हुई, यहाँ से
देश को बालासाहेब ठाकरे जी मार्गदर्शन करते थे, जो सावरकर का अपमान किया उनको यहाँ लाया शिवाजी पार्क को, ये वो दिन काला दिन था, मैंने पहले ही कहा है। और आज मैं ये कहूंगा कि ये इंडिया लाइन पूरी तरह टूट चुकी है, ये मोदी जी के नफरत जहर मोदी जी के बारे में इनके दिल में है और ये जहर जो है वो निकाल रहे, उगल रहे, और ये इनको सही सबक इस चुनाव में महाराष्ट्र और देश की जनता दिखाएगी और पूरी तरह इनको घर पे बिठाएगी। घर पे बैठने की उनको आदत है और इसलिए उनको घर पे परमानेंट बिठा देगी।